नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएससी स्टॉक मार्केट। बात करेंगे इस वीडियो में जयप्रकाश पावर लिमिटेड के बारे में, जेपी पावर के बारे में। 18 रुपये 95 पैसे के आसपास इसने अपना क्लोजिंग दिया है। बात करेंगे इसके एसएम के लिस्ट में, तो लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज वन में ये शेयर अभी भी शामिल है। और आज इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो 2 करोड़ 70 लाख इक्विटी शेयर इसमें ट्रेड हुआ है। टोटल ट्रेडेड वैल्यू जो बन रही है वो यहाँ पे बन रही है 51 करोड़ रुपये, ठीक है। और साथ में इसका डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे तो 65% के आसपास का इसमें जो है डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आ रहा है। अब लॉन्ग टर्म में बाहर आने का तो मैं आप लोगों को डेट बता चुका हूँ, आज तो थोड़ी संभावना कल है कम है, कल जो है इसकी संभावना है ज़्यादा आने की बाहर, देखते हैं। वहीं पे बात करेंगे इसमें लार्ज डील की, तो आज केवल 12 लार्ज डील देखने के लिए मिली है, जिसमें देखेंगे तो वहीं 1-1 करोड़, 50 लाख, 50 लाख, 85 लाख, इस तरह से यहाँ पे कहीं कहीं पे 1.25 लाख का जो है शेयर ट्रेड हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो 13 करोड़ 29 लाख के आसपास का जो है शेयर बाय सेल हुआ है। वहीं पे गूगल पे बात करेंगे तो कोई भी मुझे वैसी न्यूज दिखी नहीं है, चाहे किसी वेबसाइट के थ्रू ही, चाहे कोई एक्सपर्ट एक्सपर्ट का बयान हो, कुछ भी कोई न्यूज जो है यहाँ पे निकल के सामने नहीं आ रही है हाल फिलहाल में। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, सबसे पहले बुलिंजर ब्रांड को देखेंगे। बुलिंजर ब्रांड अब तो अभी भी थोड़ा बहुत ठीक है, मतलब अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी ये बुलिंजर ब्रांड साइडवेज ही इंडिकेशन दे रहा है। अगर वहीं पे आरएसआई का बात करेंगे तो आरएसआई का भी सपोर्ट है 50 के लेवल पे, और 50 के लेवल पे वैसे भी सपोर्ट रहता ही रहता है, रेजिस्टेंस रहता ही रहता है। नीचे 40 तक इसका लो बना है, तो 40 तक आरएसआई तो जाने की संभावना रहेगा इसमें, क्योंकि अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर 40 तक जाएगा। लेकिन लॉजिक के हिसाब से इसको अब ब्रेक नहीं करना चाहिए नीचे की साइड में, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो 30 का लेवल पहली बार टच करने के लिए आया, समझिएगा इसको, ठीक है ना। उसके बाद ऊपर गया 50 पे, 2 बार सपोर्ट लिया, ठीक है ना। उसके बाद ऊपर ब्रेक किया तो 40 का सपोर्ट लिया यहाँ पे 40 पे, अब फिर से ऊपर जाके जो है यहाँ पे 50 का सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 30 का सपोर्ट लेने के बाद एक बार 50 को टच किया सपोर्ट लिया, 2 बार 50 पे सपोर्ट लिया, और तीसरी बार भी यहाँ पे 50 का सपोर्ट ले लेना चाहिए। नहीं तो 30 को एक बार टच कर चुका है, 40 पे टच कर चुका है, और 40 को इसीलिए हो सकता है टच करने के लिए आया क्योंकि यहाँ पे जो मैं एक बार के लिए लो बता रहा था आप लोगों को कि ये वाला लो है, बोला भी था 40 पे सपोर्ट है, टच कर लिया, तो अब 30 को भी टच कर लिया सपोर्ट ले लिया, 40 पे भी सपोर्ट ले लिया, 50 तो इसका घर ही समझ लीजिए है, 2 बार पहले भी ले चुका है, इस बार भी लेके अब जो है ये 70 पे जाएगा, और 70 पे रिट्रेस करके अब 70 को भी ऊपर की साइड में ब्रेक कर देगा, क्योंकि कभी भी यहाँ पे जब 30 को टच करके गया था तो कभी भी 70 को टच करने के लिए तो गया था लेकिन कर नहीं पाया, 3 बार हाई बनाया यहाँ पे देखिए इस तरह से, नहीं गया 65, यहाँ पे 68, उसके बाद फिर से 65, तो देखिए 65 पे भी एक रेजिस्टेंस का इस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, मेरे हिसाब से अगर इसमें तेजी आनी है तो कल से तेजी आ जानी चाहिए, नहीं तो फिर जो मैं आप लोगों को पहले से बता के रखा हूँ उसी तरह का इसमें पैटर्न बनने वाला है। और चार्ट पे भी देखेंगे तो देखिए, जैसे मैं आप लोगों को क्या बताया था, यहाँ से पहले इसको हम लोग हटा देते हैं, एक साइड करते हैं, ठीक है ना, ये कहाँ से हट रहा है, इसको इस तरह से कर देंगे। हाँ, अब ये देखिए, इसको पहले हमारा जो रेंज है उसको हम लोग नीचे कर देंगे इस तरह से, इसको ब्लॉक भी कर देंगे। देखिए अब देखिए क्या मैं बताया था आप लोग, मेरा पीछे का वीडियो देख, मैं यहाँ से आप लोगों को इस तरह से पैटर्न बना के बताया था कि इस तरह से पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ से जो मैं पैटर्न बनाया इस तरह से, देखिए यहाँ पे कितनी सारी जो है रेड कैंडल कंटिन्यू बनी थी। दूसरा पैटर्न मैं यहाँ से बताया था आप लोगों को कि इस तरह से भी एक पैटर्न बन रहा, अब यहाँ से भी अगर आप लोग देखोगे तो कितनी सारी कंटिन्यू जो है रेड 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 कैंडल बनी, सेम उसी तरह की कैंडल यहाँ पे भी बनती हुई हम लोगों को नजर आ रही है। तो अगर रिकवरी आनी है तो यहीं से इसमें रिकवरी आ जानी चाहिए, क्योंकि पहला लो था, दूसरा लो था, उसके बाद ये दोनों लो तो सेम पे है, तीसरा लो है, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए नीचे के साइड में, नहीं दिक्कत हो जाएगा। और 18 पे सपोर्ट पहले से भी बता के रखा हूँ, रेंज वाला भी है, रेंज अभी हम लोग जो साइड में किए हैं ये वाला रेंज भी है। तो देखिए मेरे हिसाब से कोई इतना ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं, लेकिन जो मैं अभी बोला था आप लोगों को कि स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा बहुत एक बार के लिए हो सकता है कि 18 या फिर 18 अगर ब्रेक करेगा तो 16.5 या 15 तक जाने की संभावना इसकी बन सकती है, और लगभग लगभग वैसा दिख भी रहा है, ठीक है ना। तो देखते
हैं क्या होता है कि नहीं होता है, तेजी होगी मंदी है तो कोई नहीं जाता है, हमारे काम है प्रेडिक्शन करना और हम वही करेंगे, ठीक है ना। फिर हाल में देखिए एंट्री तो अभी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री तो हर 18 रुपये के डिप को बाय करना है, ये मैं पहले से बोल चुका हूँ। स्टॉप लॉस वही 16.5 रुपये और 15.5 रुपये के नीचे का फॉलो करना पड़ेगा आप लोगों को। कन्फर्मेशन वाली अगर आप लोगों को खरीदारी चाहिए तो फिर आप लोगों को वेट करना चाहिए, 20 रुपये, 20.5 रुपये या 21.5 रुपये तक भी आप लोग होल्ड कर सकते हो। ब्रेक करें और तब आप खरीदारी करेंगे तो वो थोड़ा सा मोमेंटम वाला ट्रेडिंग हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हाल में रिस्क भी उतना ही है और रिवार्ड भी उतना ही मिलने की संभावना है, तो देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से देखिए RSI का भी सपोर्ट है, बुलिंजर बैंड का सपोर्ट तो पहले से बना ही हुआ है, तो ठीक है, देखते हैं कि गिरता है कि नहीं गिरता है। संभावना है कि थोड़ी बहुत और गिरावट आएगी जो दोनों पैटर्न बताए हैं उनके हिसाब से, बाकी तेजी होगी मंदी है तो कोई नहीं जानता है। देखते हैं, कोई अच्छी सी कंडीशन बनती है तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल में तो व्यू वहीं होल्ड करने का रहेगा। खरीदारी करना भी थोड़ा सा डेंजरस रहेगा, खरीदारी हो सकती है, खरीदारी लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल हो सकती है, शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकती है, बस एवरेज करना पड़ेगा एक बार 16.50 रुपये पे, क्योंकि जब संभावना है कि जाएगा तो एक बार उसके लिए भी कुछ क्वांटिटी छोड़ देना पड़ेगा ना, क्योंकि जब एनालिसिस हम लोग कर रहे होते हैं, मान लेते हैं कि कोई शेयर भाग रहा है यहाँ पे हम खरीद रहे हैं, तो फिर हमको पता है कि नहीं यहाँ से इसके नीचे आएगा तो फिर हमको स्टॉप लॉस लेके निकल लेना है, तो टोटल क्वांटिटी यहाँ पे खरीद लेना है और इसके नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो करना है। लेकिन जब संभावना है कि नहीं शेयर यहाँ पे गया है और फिर एक बार ऊपर जाके यहाँ तक आ सकता है, तो यहाँ पे अगर हम खरीदारी कर रहे हैं तो इधर का स्टॉप लॉस फॉलो न करने से फायदा है कि एक जहाँ तक वो जाने की संभावना है वहाँ पे एक बार उसको एवरेज किया जाए, ठीक है ना। इससे अच्छा जो है बन जाता है ट्रेड, तो देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से बढ़िया है। वीडियो पसंद आ गया है तो आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो।